Welcome once again to my YouTube channel EduLover. इस पर्टिकुलर वीडियो में CBSE ने 2020 एग्जाम में मैथ बेसिक में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उसके क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो आपको फटाफट से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाना है और वहाँ पर आपको क्लास 10th बेसिक मैथ 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम का एक सैम्पल पेपर मिलेगा। क्लिक कीजिए और सारे का सारा क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कीजिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। उसके साथ साथ अगर अभी तक हमने सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व किया है तो जाइए फटाफट से सैम्पल पेपर भी सॉल्व कीजिए। उसके लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाना होगा। तो प्लेलिस्ट पर एक बार जाइए, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, ऐसी मेरी गारंटी है। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं, क्या है सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा सॉल्व करते भाई लोग, अरे अरे भाई क्या है। सेवंथ, इफ अ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना, हमें क्या दिया है दो पॉइंट दिया हुआ है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए दिया हुआ हमें कितना, पॉइंट ए दिया हुआ है 4.3 और बी कितना दिया हुआ है, बी 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 1.0 और ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, ऐसा हमें दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो हमें फाइंड करना है इसी पी का वैल्यू। पी के वैल्यू के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू फार्मूला रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया है 5 यूनिट, डेट इज़ 5 इक्वल्स टू रूट अंडर, इसको हम लोग बोलेंगे x1 y1, बोलिए क्या बोलेंगे इसको, x1 y1, और इसको हम लोग बोलेंगे x2 y2। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। हमें फॉर्मूला क्या है, x2 इसको बोल रहे हैं, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 0 - p का होल स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छे, 5 है या रूट में इधर आएगा तो स्क्वायर में, रूट में इधर आया तो स्क्वायर में 5 का स्क्वायर डेट इज 25। बहुत अच्छे, इधर रूट कैंसिल हो गया, अब इधर आ गया स्क्वायर बन गया, 1 - 4 डेट इज -3 का स्क्वायर प्लस -p का स्क्वायर, बोलो हो गया समझ में आया। बहुत अच्छे, 2p कितना हो गया 9 प्लस -p का स्क्वायर डेट इज p स्क्वायर, प्लस में इधर है तो माइनस में, तो 25 - 9 डेट इज 16 इक्वल्स टू p स्क्वायर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं p स्क्वायर, तो p इक्वल्स टू रूट अंडर 16 स्क्वायर, इधर चला गया तो रूट, तो पी इक्वल्स टू जब रूट होता है तो क्या आता है बाहर +-4, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है 4, यानी पी का वैल्यू कितना आया +-4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आपको इसमें डिस्टेंस फार्मूला को बहुत अच्छे से याद करना है कि डिस्टेंस फार्मूला आखिर होता क्या है। तो इसके बेसिस पे हम लोग तुरंत फटाफट से पी का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उससे पहले जॉब प्लेलिस्ट पे देखो।